अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक और नई वीडियो के साथ हम आपके सामने हाज़िर हैं। आज हम बात करेंगे आईफोन के मोबाइल्स की, थोड़ी कीमतें कम हुई हैं इसके बारे में बात करेंगे। तो अगर आप आईफोन के फ़ैन्स हैं तो ये वीडियो एंड तक लाजमी देखिएगा, आपके लिए काफ़ी फ़ायदा मंद साबित होगी। आगे बढ़ने से पहले आपसे दरख्वास्त करेंगे कि अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर लाजमी दबा दें। मैं आपको हर वीडियो में ताकीद इसलिए करता हूं क्योंकि बेल आइकन पर जब तक आप नहीं दबाते तो आप लोगों को हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं मिलता। अगर आप बेल पर दबा देंगे तो इसका नोटिफिकेशन जो है आप लोगों को मिल जाएगा। तो बेल पर दबाने के बाद ऑल नोटिफिकेशन ऊपर लिखा होता है, वहाँ पर आप लोगों ने क्लिक करनी है ताकि हर सूरत में आपको नोटिफिकेशन मिले। तो अभी हम बात करेंगे आईफोन सेट की जो कीमतें कम हुई हैं इसके बारे में। आईफोन मोबाइल, पहले तो आप सबको थोड़ा सा बता दें, कौन नहीं जानता ये आईफोन मोबाइल जो है क्या है और इनकी अहमियत क्या है। वैसे तो ये जो अमीर लोग हैं ज़्यादातर इसको शो पीस के तौर पर लेते हैं कि जस्ट लोगों को दिखाने के लिए जी हमने आईफोन रखा हुआ है। हालांकि ऐसी बात ठीक है, ये शो पीस भी है, महंगा होने की वजह से लोग इसको शो करते हैं कि भाई देखो हमने महंगी चीज़ रखी हुई है। लेकिन आईफोन में कुछ क्वालिटियाँ हैं जिनकी वजह से जो है ये महंगा भी है और जिनकी वजह से ये आपके पास होना भी चाहिए। क्यों होना चाहिए ये भी हम आपसे ज़िक्र करेंगे आगे जाकर। और बाकी महंगा तो साफ ज़ाहिर है, इसके अंदर जो फीचर्स दिए जाते हैं वो प्राइस उनकी ज़्यादा होती है। अभी हम थोड़ा सा आपको ये जो खबर है कौन सी वेबसाइट पर है, एक पाकिस्तान की न्यूज़ वेबसाइट है वहाँ पर है, यहाँ से आपके साथ हम खबर शेयर करते हैं जी। आईफोन ख़रीदने के ख्वाहिशमंदों के लिए खुशखबरी, कीमतें कम हो गई। ये हेडिंग दी हुई इन्होंने और इन्होंने साथ लिखा है डायरेक्टरेट जनरल ऑफ कस्टम्स वैल्यूएशन ने आईफोन 14 के मुख्तलिफ मॉडल्स की कस्टम वैल्यू में कमी कर दी है। तो जो कस्टम वैल्यू थी उसमें थोड़ी कमी कर दी है। आईफोन 14 की हम बात कर रहे हैं तो इससे फ़ायदा क्या होगा, इससे फ़ायदा ये होगा कस्टम वैल्यू से कि ये सस्ते थोड़े हो जाएंगे। कितने होंगे वो हम आपसे आगे शेयर करते हैं। डायरेक्टरेट जनरल ऑफ कस्टम्स वैल्यूएशन ने मुख्तलिफ इस्तेमाल शुदा और तजदीद शुदा मोबाइल फ़ोन्स के लिए कस्टम वैल्यूज़ पर नज़रसानी करते हुए भारी कमी कर दी है। जी जनाब, ना सिर्फ उनको उन्होंने ये जो इस्तेमाल शुदा है इस पर और जो तजदीद शुदा है, कुछ जो कंपनी की जानब से तजदीद शुदा होते हैं, उन दोनों मोबाइलों की जो वैल्यूज़ थी, जो कस्टम वैल्यूज़ थी, उसके ऊपर उन्होंने नज़रसानी करते हुए इसकी भारी कमी यानी कि है बहुत हद तक कमी कर दी है। मैं आपके साथ आगे शेयर करता हूँ कितनी की है। इसमें ख़ास तौर पर एप्पल आईफोन के 14 प्लस की मुख्तलिफ मॉडल्स पर तवज्जो दी गई। बाकी मोबाइल्स में भी थोड़ी सी कमी की गई है लेकिन जो ज़्यादा इन्होंने कमी की है वो है आईफोन 14। आगे बात करते हैं तफसीलात के मुताबिक 128 जीबी का जो एप्पल आईफोन 14 प्लस है इसकी कस्टम वैल्यू कम करके 774 यानी कि $774 कर दी गई है, जबकि इससे कबल ये $910 थी जिसमें वाज़े कमी लाई गई है। आईफोन 14 प्लस जो है ये $774 पहले आप $910 थी इसकी कस्टम वैल्यू जो है, अभी इसकी जो वैल्यू है वो 774 कर दी गई है। जनाब अच्छा खासा फ़र्क है 910 और 774 का, मैं बल्कि फ़र्क आपको बता देता हूँ कितना बनता है। 910 एक मिनट 910 और 774 तो $136 का फ़र्क पड़ा है जनाब, यानी कि बहुत ज़्यादा फ़र्क है। $100 जो है वो आजकल ₹27,800 के है तो $36 ये आप उसको भी जब कैलकुलेट करेंगे तो ये अच्छी खासी रकम जो है 40,000 के करीब रकम बन रही है, 35-40,000, तो बहुत ज़्यादा फ़र्क जो है वो डाला गया इसकी कीमत में। कहाँ गई जी खबर हमारी, ये रही। अच्छा 256 GB का जो पहले ये जो हम बात कर रहे थे, 128 GB की बात कर रहे थे, 128 GB का एप्पल आईफोन जो है उसकी उसमें जो कमी की गई है 774 कर दिया गया 910 से। अभी हम बताते हैं जी आपको 256 GB का आईफोन 14 प्लस जो है इस पर आयद होने वाली कस्टम वैल्यू कम करते हुए $859 मुकरर कर दी गई है, जबकि इससे कबल $1,000 वसूल की जा रही थी। जनाब 1,000 से सीधा 859 कर दी गई है, ये आप देख लें कि $40 और $141 का फ़र्क पड़ा है आईफोन जो है 256 GB जो है उसकी वैल्यू में। अच्छा इससे कबल जो है ये 1,000 रुपये वसूल करते थे, अभी 859 कर दी गई है।
اس بھاری کمی کو صارفین کی جانب سے خوش آئند قرار دیا گیا۔ صارفین نے تو پھر صاف ظاہر ہے جو خوش ہونا ہی ہونا ہے، اتنا زیادہ فرق پڑ گیا ہے، $150 کا فرق پڑ گیا ہے، 27,000، 28,000 اور 14,000 کتنے ہوتے ہیں جو 32,000، 42,000، تو تقریباً 42,000 روپے جو ہے وہ کم کر دیا گیا ہے آئی فون 14 پلس 256 GB میں۔ 512 GB کا جو ایپل آئی فون ہے 14 پلس، اس کی کسٹم ویلیو $1,210 سے کم کرتے ہوئے $1,029 کر دی گئی ہے، 1210 سے 1,029، یعنی کہ تقریباً $190 جہاں تک میرا اسٹیمیٹ ہی ہے وہ فرق پڑ گیا اس میں۔ اچھا، یہ اقدام جو ہے ملک میں موبائل فون کی مارکیٹ ویلیو کے ساتھ کسٹم ویلیو کو اہم آہنگ کرنے کی جاری کوششوں کے ایک حصے کے طور پر سامنے آیا، یعنی کہ جو حکومت ہے اس چیز پر تھوڑی توجہ دے رہی ہے کہ ملک میں جو موبائل فون کی مارکیٹ ویلیو اس کو کسٹم ویلیو کے ساتھ جو ہے ان کی ہم آہنگی کی جائے۔ اب اس کا سادہ لفظوں میں آپ کو مطلب سمجھاتا ہوں کہ ایک موبائل جو ہے 10,000 کا ہے تو اس کے اوپر کسٹم ویلیو 20,000 تو نہیں ہونی چاہیے نا، اس کے اوپر کسٹم ویلیو چلے 1,000 ہو جائے، 1,500 ہو جائے، اس طرح ہونا چاہیے۔ تو یہ جو فونز تھے پہلے ان کے اوپر کسٹم ویلیوز تھوڑی سی زیادہ تھی، جس وجہ سے یہ عوام جو ہے شور بھی کر رہی تھی، تو اب اس کو کم کر کے تھوڑی سی ہم آہنگی پیدا کرنا چاہ رہے ہیں کہ چلیں جو چیز جتنے کی ہے اس کے اوپر اتنا ٹیکس ہو، یہ نہیں کہ ایک چیز سستی ہے لیکن اس کے اوپر ٹیکس جو ہے وہ بہت زیادہ ہو جائے۔ تو اس چیز کو حکومت تھوڑا سا دیکھنا چاہ رہی ہے، اسی لیے انہوں نے یہ چیز جو ہے یہ کی ہے اور کمی کی ہے اس میں۔ ان کسٹم ویلیوز پر نظر ثانی کا فیصلہ مختلف مارکیٹوں کے باریک بینی سے جائزہ لینے کے بعد کیا گیا ہے، تاکہ ملک میں موبائل فون ڈیوائسز کی موجودہ قیمتوں کی زیادہ درست عکاسی کو یقینی بنایا جا سکے۔ توقع ہے کہ اس قدم سے صارفین کو فائدہ پہنچے گا، انشاءاللہ جی فائدہ تو لازمی پہنچے گا، صاف ظاہر ہے جب اتنی کسٹم ویلیو آپ لوگوں نے کم کر دی تو ڈائریکٹلی اس کا فائدہ جو ہے وہ صارفین کو ہونے ہی والا ہے لازمی طور پر۔ تو آپ لوگ ابھی نیا ریٹ جو ہے مارکیٹ ویلیو چیک کر سکتے ہیں، اگر آپ بھی خواہش مند ہیں آئی فون لینے کے تو آپ ضرور مارکیٹ وزٹ کر سکتے ہیں۔ باقی ہمیں نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اجازت دیں۔ آپ لوگوں کو آج کی ویڈیو کیسی لگی اس کے بارے میں آپ لوگوں نے کمنٹس میں ہمیں ضرور بتانا ہے، تاکہ ہم جو ہے اپنی ویڈیوز کو امپروو بھی کر سکیں۔ دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔